हेलो फ्रेंड्स, तो यहां से कर्नाटका प्रीमियर लीग का अगला मैच कवर किया जाएगा जो खेला जाएगा बेलगावी पैंथर्स वर्सेस शिवामंग लॉयंस के बीच में। तो फ्रेंड्स, यहां से आप सारा लॉस रिकवर करने वाले हैं। अगर आप फ्रेंड्स ड्रीमी राउंड में हार रहे हैं तो इस मैच में आप जीतने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। अब रेस स्कोर की बात की जाएगी फ्रेंड्स यहाँ से, और रिसेंट में पिछले दो मैचेज में प्रदर्शन किस तरह का किस प्लेयर कर रहा है और कौन गेंदबाज पूरे कोटे के चार ओवर डाल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से बता दूँ आपको, पूरा डीपली एनालिसिस करके लाया हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से इंपॉर्टेंट वही रहता है जो आपके लिए राइट यहाँ दी हुई है फ्रेंड्स, वो इसी की है जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पाओगे किस किस गेंदबाज ने कोटे के कितने कितने ओवर डाल लिया है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ यहाँ से डीपली एनालिसिस होने वाला। उससे पहले बता दूँ, आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, टेलीग्राम बिल्कुल फ्री रहेगा। फैंटेसी ड्रीम न्यूज सर्च करिए, इस वीक में हमारी शानदार यहाँ पे अर्निंग हुई है, उसका मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ। शिवामंग लॉयंस की बात करूँ तो ओपनिंग यहाँ से अर्जुन होयसला करेगा निहाल उलाल के साथ में। यालू लाल फ्रेंड्स बहुत शानदार इनका टूर्नामेंट अभी तक रहा है, लेकिन पिछले दो मैचेस की बात करें तो 4 और 33 रन किया है। अक्षय लाल वन डाउन खेलेगे फ्रेंड्स, यहाँ से 46 रन किए थे एक मैच में, तो अभी अच्छी ऑप्शन रह सकती है। पवन देश पांडे की बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ से पवन देश पांडे 40 रन किया है पिछले मैच में फ्रेंड्स, जो इनका रिसेंट मैच हुआ, लेकिन गेंदबाजी नहीं किया है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप स्टार देख पा रहे हैं, इसी यही स्टार लगा हुआ है कि इन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजी नहीं की है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले वाला मैच हुआ था उसमें उन्होंने कोटे के 2 विकेट 3 ओवर डाले थे और 2 विकेट मिले थे। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि इस मैच में एक गेंदबाजी करे, तो पवन दास पांडे आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहने वाला है। कि रोहित फ्रेंड्स जितने अच्छी फॉर्म में नहीं है, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। अभी नव मिथुन फ्रेंड्स यहाँ से 5 या 6 नंबर बल्लेबाजी करेगा, 34 रन किया है एक मैच में, और फ्रेंड्स एक मैच में 1 विकेट भी मिला है। तो डेथ ओवर और ओपनिंग स्पेल डालेगा तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी ऑप्शन रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये भी मस्ट पिक प्लेयर रहने वाला है। एम निधिश फ्रेंड्स एक मैच में भी फर्स्ट डाउन खेलने आए थे, अटैकिंग प्लेयर है, तो फ्रेंड्स इनको भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में आप स्पेशली एम निधिश को ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग और हेड टू हेड में आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। एसपी मंजुनाथ की बात करूँ तो स्पिन गेंदबाज है फ्रेंड्स, तो इनको भी आप अपनी टीम में ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इतनी अच्छी ऑप्शन रहने वाला नहीं है, बैटिंग में बहुत लेट बल्लेबाजी करने आता है। एस शरद की बात करूँ तो फ्रेंड मीडियम तेज गेंदबाज है, यहाँ से तेज गेंदबाजी करता दिखेगा आपको, तो वह इनको अपनी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बल्लेबाजी भी जल्दी कर लेते हैं। पृथ्वीराज शिकावत और टी प्रदीप, वैसे आप किसी एक को अपनी लक के अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से जो आपके लिए की प्लेयर रहने वाले हैं वो आप यहाँ से राइट देखे हैं, निहालू लाल है, अक्षय लाल है, पवन देश पांडे है, अभिनव मिथुन है, एस पी मंजुनाथ और एस शरद में से दो में से किसी एक को आप ट्राई कर सकते हैं। जहाँ तक बात करूँ फ्रेंड्स तो बेलगावी पैंथर के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ से रवि कुमार स्मार्थ के साथ दिकांशु ने की ओपनिंग करते हुए दिखे थे, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, रवि कुमार स्मार्थ का इतना अच्छा यहाँ से परफॉर्मेंस रहा ही नहीं है, पिछले 4 मैचेस में पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि मैनेजमेंट इनको इस मैच में ना खिलाए, या फ्रेंड्स मिडल ऑर्डर भी इनको मौका दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर स्टालिन हुबर फिट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, क्योंकि बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी डालते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से स्टालिन हुबर के साथ दिकांशु नेगी ओपनिंग करते हुए दिखेगी। नेगी का फ्रेंड्स पिछले मैच में रिकॉर्ड बताऊँ तो 18 रन की है, लेकिन फ्रेंड्स गेंदबाजी नहीं डाले। उससे पहले वाला मैच हुआ था फ्रेंड्स, तो उसमें उन्होंने 3 ओवर गेंदबाजी की थी, स्पिन गेंदबाज है तो अच्छी खासी मदद मिल सकती है, तो 1 या 2 विकेट इनको मिल सकता है। मनीष पांडे के बारे में फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से मालूम है, डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। अभिनव मनोहर फ्रेंड्स यहाँ से नंबर 4 बल्लेबाजी किए थे पिछले मैच में, 22 शानदार रन किए थे, 2 सिक्स भी मारे हैं, तो फ्रेंड्स अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। शुभांग हेकड़े फ्रेंड्स ड्रीम इलेवन में गेंदबाजी के सेक्शन में मिलेंगे। इनका मैं रिकॉर्ड बताऊँ तो 1 मैच में 1 विकेट और 18 रन किए हैं, और दूसरे मैच में फ्रेंड्स पूरे कोटे के 4 ओवर डाले हैं। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फ्रेंड्स, इनको अपनी टीम में जरूर ट्राई करना है, शुभांग हेगड़े को। और फ्रेंड्स बाकी यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, दर्शन एमबी पिछला मैच खेले हैं, और फ्रेंड पिछले मैच में इन्हीं की वजह से हम ड्रीम इलेवन में काफ़ी सारा पैसा अर्न भी किए हैं। तो दर्शन एमबी फ्रेंड्स अच्छी ऑप्शन रहने वाला है, ऑलराउंडर के सेक्शन में मिलेगा। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप डिपेंड करता है कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करती है, जो बल्लेबाजी पहले करेगी तो दूसरी साइड से हम गेंदबाजी के सेक्शन से ज़्यादा गेंदबाज ले लेंगे। बाकी फ्रेंड्स आप यहाँ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, टेलीग्राम बिल्कुल फ्री रहेगा, आप फैंटेसी ड्रीम न्यूज सर्च करिए और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। जहाँ तक बात करूँ फ्रेंड्स तो विकेट कीपर फ्रेंड मैं यहाँ से निहालू लाल को रखा हूँ फ्रेंड्स, और बैटिंग की बात करूँ तो बैटिंग में फ्रेंड्स यहाँ से लिया हूँ मनीष पांडे को। मनीष पांडे फ्रेंड बहुत शानदार ऑप्शन रहने वाली है। जहाँ तक बात करें तो फ्रेंड्स ग्रैंड लीग में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से ग्रैंड लीग में मैं आपको बता दूँ तो 95% के करीब लोगों ने ले रखा है ड्रीम इलेवन में। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी यहाँ से 90% प्लस वाली थ्योरी चल सकती है, क्योंकि यहाँ से 95% लोगों ने रखा है, और फ्रेंड्स पिछले 2 मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो फ्रेंड्स ग्रैंड लीग में आप इनको ड्रॉप करके बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात करूँ फ्रेंड्स तो स्मॉल लीग में इनको अपनी टीम में रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत अच्छे प्लेयर है और इंटरनेशनल प्लेयर है। तो फ्रेंड्स आपने स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनको जरूर ट्राई करना है, तो स्मॉल लीग और हेड टू हेड में हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। जहाँ तक बात करूँ फ्रेंड्स तो यही हौसला ये बिलाल को लिया हूँ, हौसला ओपनिंग करेगा, ये बिलाल फ्रेंड यहाँ से वन डाउन बल्लेबाजी करेगा। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से अभिनव मनोहर को भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑलराउंडर 4 लिया हूँ, इसी कारण पवन देश पांडे के दिकांशु नेगी को लिया हूँ, और फ्रेंड्स एस शरद के साथ साथ फ्रेंड यहाँ से लिया हूँ एम बी दर्शन को। अगर फ्रेंड यहाँ से स्टालिन ओवर करते हैं तो स्टालिन ओवर को हम अपनी टीम में ले लेंगे। बॉलिंग की बात करूँ तो अभिनव मिथुन को ले आऊँ, क्योंकि ऑलराउंडर है ये भी फ्रेंड्स, काफ़ी जल्दी बल्लेबाजी करने आ जाते हैं। बात करूँ तो जाहूर फारूक की भी फ्रेंड जल्दी बल्लेबाजी करने आ जाते हैं। शुभांग हेगड़े फ्रेंड्स
बहुत अच्छी ऑप्शन रहने वाली, जैसे मैंने पहले कहा एक मैच में वन डाउन भी खेल चुके हैं और कोटे के पूरे चार ओवर डालते हैं, तो जाहिर फारूकी भी फ्रेंड्स कोटे के पूरे चार ओवर डालेंगे, और फ्रेंड जहाँ तक बात करूँ तो ये अभिनव मिथुन भी पूरे चार ओवर डालेंगे। तो फ्रेंड टीम प्रीव्यू दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ टेलीग्राम, तो टेलीग्राम फ्रेंड्स हमारा यहाँ से नया नया चैनल है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे फ्रेंड जुड़िए, आपको यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल की बहुत सारी अर्निंग करवाई जाएगी, तो जल्दी से इस मैच में जुड़ जाइएगा। और फ्रेंड जहाँ तक बात करूँ टेलीग्राम के बाद टीम प्रीव्यू की, तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड, बहुत शानदार टीम बनाया हूँ, बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन लिया हूँ हेड टू हेड और स्मॉल लीग में, आप 100% जीतने वाले हैं, सारा लॉस रिकवर होने वाला है ड्रीम इलेवन में आपका इस मैच में। तो फ्रेंड यहाँ से स्मॉल लीग हेड टू हेड और ग्रैंड लीग में, ग्रैंड लीग में फ्रेंड्स आप मनीष पांडे को ड्रॉप कर सकते हैं, मनीष पांडे को यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन को ड्रॉप कर सकते हैं मनीष पांडे को, बाकी फ्रेंड्स स्मॉल लीग और हेड टू हेड में आपने जरूर ट्राई करना है, कैप्टन मनीष पांडे हमारे स्मॉल लीग और हेड टू हेड में रहेंगे, वाइस कैप्टन पवन देश पांडे रहेंगे। जहाँ तक बात करूँ तो दीकांशु नेगी यहाँ से दो या तीन ओवर डाल सकते हैं ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, एम बी दर्शन फ्रेंड पूरे कोटे के चार ओवर डालेंगे, शुभांग हेगड़े चार ओवर डालेंगे, जाहुर फारूकी भी चार ओवर डालेंगे, अभिनव मिथुन अच्छे रथ भी फ्रेंड चार चार ओवर डालने वाले हैं। पवन देश पांडे ने फ्रेंड्स पिछले गेंद मैच में गेंदबाजी नहीं किया है, लेकिन फ्रेंड बहुत अच्छा प्लेयर है, अर्जुन होसला ओपनिंग करने वाला है निहाल उलहल के साथ में, और अक्षय बलाल वन डाउन खेलने वाला, तो फ्रेंड बहुत शानदार टीम बनी है, कॉम्बिनेशन एकदम से परफेक्ट है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया गया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हैशटैग फैंटेसी ड्रीम न्यूज़ उभरता हुआ फैंटेसी ड्रीम न्यूज़ में फ्रेंड्स यूट्यूब में पहले नंबर पर चला हुआ है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ से काफ़ी सारा अर्न करने वाले, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, कॉपी पेस्ट करके भी फ्रेंड्स आप इस टीम्स के साथ बहुत सारा अर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और हाँ फ्रेंड्स टेलीग्राम जरूर जुड़ना है और वीडियो को लाइक कर देना। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।